हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंटरव्यू बी। माय नेम इज़ राहुल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैं कैसे प्लान और डिज़ाइन करता हूँ, मेजरमेंट कैसे लेते हैं, डिज़ाइनिंग कैसे होता है और एग्जीक्यूशन के पहले का क्या क्या प्रोसेस होता है। आज हम लोग एक 3 BHK घर का डिज़ाइनिंग प्रोसेस देखने वाले हैं और यहाँ का 3D डिज़ाइंस भी देखेंगे। ये घर DPS मोड़ बेली रोड में है। यहाँ पर हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट काफ़ी बेसिक था, तो आइए आगे इस वीडियो को प्रोसीड करते हैं। साइट विजिट करने के बाद क्लाइंट ने अपना सारा रिक्वायरमेंट बता दिया, जो काफ़ी मिनिमलिस्टिक था। सारा रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन करने के बाद मैंने वहाँ का मेजरमेंट लिया। लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। हम लोग यहाँ का पहले वीडियो देखते हैं। ये स्टेयर्स है, इस पर चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पर एंट्रेंस है। ये लिविंग एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है, दिस इज द किचन। यहाँ टाइल्स पहले से लगा हुआ था। ये बेडरूम है, ये पूजा रूम और ये घर का फ्रंट एरिया है। ये सामने कॉमन टॉयलेट है, ये मास्टर बेडरूम है, और ये गेस्ट रूम। हम लोग इस रूम का मेजरमेंट लेंगे पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो विंडोज है, दो डोर्स है, जिसमें एक बालकनी को जाता है और एक बाथरूम को। वार्डरोब के लिए स्पेस है और वॉल में एक डेप्थ बना हुआ है और इस रूम का ये डोर है। यहाँ पर वॉल टू वॉल मेजरमेंट लेना होगा, तो सबसे पहले हम लोग इस रूम का लेआउट बनाएंगे। तो ये यहाँ पे विंडो है, एक विंडो यहाँ पे है, ये डोर बालकनी को जाता है, ये डोर बाथरूम को जाता है। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस हो गया इस रूम का। तो रूम का डायमेंशन, डोर का डायमेंशन यहाँ पे 44 इंचेस है। यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल आपका वो 128 सेंटीमीटर है। वार्डरोब का ये पोजीशन, ये 54 इंचेस है, जिसका डेप्थ यहाँ पे 24 इंचेस है। ये जो वॉल यहाँ पे आ रहा है, ये 25 इंचेस है। विंडो है, ये 5 फिट का इसका विड्थ है। इसके बाद जो वॉल है, ये मेरा 22 इंचेस का है। यहाँ पे पिलर आ रहा है, पिलर 4x4 का पिलर है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को 12 इंचेस का वॉल है, फिर ये विंडो है जिसका विड्थ 5 फीट है। इसके बाद फिर ये वॉल है जिसका विड्थ 5 फीट है, और ये डोर जो बालकनी को जा रहा है, इसका विड्थ है 30 इंचेस। एंड इसके बाद जो यहाँ पे वॉल मिल रहा है, ये हमारा 40 इंचेस है। बाथरूम का जो डोर है, इसका विड्थ है 29 इंचेस। इसके बाद ये जो वॉल हम लोग को पूरा मिल रहा है, ये 101 इंचेस है। इसके बाद डोर के बगल का जो ये वॉल आ रहा है, यहाँ पे 18 इंचेस है। और यहाँ पे अगर हम लोग विंडो का बात करें, तो विंडो का जो फ्लोर से हाइट है, वो हम लोग का 28 इंचेस है। विंडो का हाइट है हमारा 53 इंचेस। विंडो का बीम से हाइट है, बीम अगर वहाँ पे है तो बीम का हाइट है यहाँ पे हम लोग का 18 इंचेस, और जो बीम वहाँ पे है ऊपर में, उसका हाइट है 18 इंचेस। अगर हम टोटल सीलिंग हाइट निकालें, तो सीलिंग हाइट हम लोग का आ जाएगा 117 इंचेस। डोर का हाइट हमारा 81 इंचेस है। यहाँ पे 24 इंच के बाद दीवार पे एक डेप्थ है, जहाँ पे वॉल निश बनेगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी है, जो कि 4 फीट 6 इंचेस पे है हाइट, और एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट यहाँ पे है, जिसका भी हाइट 4 फीट 6 इंचेस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट का भी हम लोग को मेजरमेंट देखना होता है, और एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट यहाँ पे भी है विंडो के पास, जिसका हाइट है 28 इंचेस।
तो ये यहाँ का मेजरमेंट हो गया। तो ये हमारा गेस्ट रूम हो गया, यहाँ पे हमारा सोफा कम बेड आएगा, ये वार्डरोब के लिए स्पेस दिया हुआ है, ये टीवी यूनिट यहाँ पे आएगा, और ये जो वॉल निश यहाँ पे दिया हुआ था वो यहाँ पे बनाना है, ये बालकनी हो गया और ये अटैच्ड बाथरूम हो गया। ये हमारा कॉमन बाथरूम हो गया, ये मास्टर बेडरूम है जहाँ पे सिर्फ बेड बनाना है, वार्डरोब बनाना है और यहाँ पे स्टडी एरिया है। लिविंग एरिया में आते हैं तो यहाँ पे हमारा सोफा अरेंजमेंट है, ये टीवी यूनिट है और यहाँ पे शू कैबिनेट आएगा, यहाँ पे एक पार्टीशन बनाना है छोटा सा। डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे बीन बेसिन का ऑप्शन दिया हुआ है, एक क्रॉकरी यूनिट यहाँ पे आएगा। किचन है, किचन में यहाँ पे कुकटॉप ईस्ट डायरेक्शन में, ये बालकनी हो गया और ये बालकनी हो गया, ये स्लाइडिंग डोर है जो बालकनी को आता है। ये एक बेडरूम है, यहाँ पे बेड, टीवी यूनिट, वार्डरोब और एक स्टडी एरिया बनाना है, और ये पूजा रूम है जहाँ पे मंदिर ये लोग परचेज करने वाले हैं। तो यहाँ का ये रिक्वायरमेंट है। ये 2D लेआउट बनाने के बाद क्लाइंट को भेजते हैं, अगर ये फाइनल होता है तो फिर इसी पे 3D डिज़ाइन शुरू होता है। 2D लेआउट को 3D सॉफ्टवेयर पर इंपोर्ट करके 3D डिज़ाइन बनाया जाता है। आइए अब इसको 3D में देखते हैं, जो बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। फिर कैमरा फिक्स करके इसे रेंडर किया जाता है, जो बहुत टाइम टेकिंग है। रेंडर होने के बाद फाइनल इमेज बनता है। तो आइए अब यहाँ का 3D डिजाइन्स देखते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आते ही राइट साइड ये गेस्ट रूम है, यहाँ पर एलसेप सोफा आएगा, जो सोफा कम बेड होगा जिसे जरूरत पड़ने पे बेड के जैसा यूज हो जाएगा। लेफ्ट डोर बालकनी को जाता है, ये इस रूम का एंट्रेंस डोर है, इस रूम में वार्डरोब के लिए डेडिकेटेड स्पेस है। हमारे क्लाइंट को एक वर्किंग एरिया भी चाहिए था और वॉल पे वॉल निश बनाया हुआ है। दिस इज जस्ट अ सिंपल टीवी यूनिट, वॉल पे ब्राउन कलर का लूबर्स लगाया हुआ है, टीवी के बैक पैनल वाइट हैं जिसके पीछे स्ट्रिप लाइट है। टीवी यूनिट के बगल वाला डोर बाथरूम को जाता है। इस रूम में क्लाइंट की तरफ से फॉल सीलिंग का रिक्वायरमेंट नहीं था। स्टेयर से डायरेक्ट ये एरिया दिखेगा, ये लिविंग एरिया है, यहाँ एल सेप सोफा है और पीछे वॉल पे वॉल पेपर आएगा। AC का प्रोविजन विंडो के ऊपर है जिसका आउटर टेरेस पर जाएगा। राइट डोर गोज टू द मास्टर रूम। टीवी यूनिट हैज अ सिंपल एलसेप डिजाइन, वी हैव मेड अ सिंपल पार्टीशन बिटवीन लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। लेफ्ट वाले वॉल पे हम लोगों ने एक सिटिंग एरिया दिया है जिसमें ओपनेबल शटर है जो शू कैबिनेट के जैसा वर्क करेगा। ये डाइनिंग एरिया है, एक साइड में क्रॉकरी यूनिट है और एक साइड बेसिन का प्रोविजन है जिसमें काउंटर टॉप बेसिन आएगा और डाइनिंग टेबल परचेज होगा। लिविंग एरिया के ऊपर फॉल सीलिंग है विच इज लिट बाई डाउन लाइट एंड स्ट्रिप लाइट। डाइनिंग एरिया के ऊपर फॉल सीलिंग का रिक्वायरमेंट नहीं था। ये किचन है, यहाँ कुकटॉप ईस्ट डायरेक्शन में है, यहाँ वॉल पे पहले से ही टाइल्स लगा हुआ था। दैट डोर गोज टू द बाथरूम। ये डाइनिंग एरिया के बगल वाला बेडरूम है, इस रूम में एक वर्किंग एरिया का रिक्वायरमेंट था। टीवी के पीछे एक पैनल देकर टीवी लगाया हुआ है।
वार्डरोब के लिए डेडिकेटेड स्पेस है एंड द डोर गोज टू द बाथरूम. दिस इज द फॉल्स सीलिंग ऑफ द रूम विच इज लिट बाई डाउन लाइट एंड स्ट्रिप लाइट. 3D फाइनल होने के बाद कुछ इस तरह से एलिवेशन बनता है जिसमें सारा मेजरमेंट्स होता है जो सिर्फ वर्कर्स के लिए होता है. ओके, तो ये रूम का एक फॉल्स सीलिंग का डिज़ाइन हो गया जिसमें ये जो कोव बनेगा वो 18 इंच पे बनेगा और टोटल नंबर ऑफ लाइट्स यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे ये सिंपल फॉल्स सीलिंग है. ये गेस्ट वाले रूम का ईस्ट वाला वॉल है जिसमें ये वॉल नहीं हम लोग जो बनाए थे ये उसका डायमेंशन दिया हुआ है. यहाँ पे साइड में जो वर्किंग एरिया आ रहा है ये उसका डायमेंशन है और ये मेन डोर हो गया. ये साउथ वाला वॉल है जिसमें हम लोग टीवी यूनिट बना रहे थे तो टीवी यूनिट का डायमेंशन हो गया सारा. इसी तरीके से सारे रूम का हम लोग 2D लेआउट बनाते हैं एलिवेशन में जो सिर्फ वर्कर्स के लिए होता है. सारा डिज़ाइन फाइनल होने के बाद मूड बोर्ड क्रिएट किया जाता है जिसमें मटेरियल सिलेक्शन कलर कॉम्बिनेशंस को फाइनल किया जाता है. आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिज़ाइन प्रोसेस ही कवर कर रहे हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इंटीरियर रिलेटेड वीडियोज़. थैंक यू.